अस्सलाम वालेकुम, ग्रैंड कॉर्नर में खुश आमदेद। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है हैर हैरी से होंगे। अल्लाह आपको खुश रखे, शादोबाद रखे। आज मैं बनाने लगी हूँ आलू की बहुत मज़ेदार सी भुजिया, तो सोचा आपसे भी ये रेसिपी शेयर करूँ। तो देखें, मैंने ये चीज़ें ली हैं। आलू है तकरीबन 1 किलो के लगभग हैं, साफ़ कर लिए मैंने। तो इसके साथ मैं प्याज इस्तेमाल कर रही हूँ, बारीक कटी हुई है, 2 खाने के चम्मच। 2 खाने के चम्मच अदरक है, खाने का 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च है, टीस्पून हल्दी है, खाने का 1 चम्मच नमक है, टीस्पून मैंने गरम मसाला लिया है, टीस्पून ज़ीरा लिया है, कसूरी मेथी है टीस्पून, ऑयल 1/2 कप इस्तेमाल होगा। और इसके अंदर मैं आज अचारी मसाले शामिल करने जा रही हूँ अपनी इस भुजिया के अंदर। तो मेरे पास ये मिक्स अचारी मसाला था, तो मैं ये इस्तेमाल करने जा रही हूँ। अगर आपके पास ये मिक्स वाला नहीं है तो मैं आपको बता देती हूँ कि आप 1/2 टीस्पून मेथी दाना ले लें, 1/2 टीस्पून आप कलौंजी ले लें, 2 चुटकी आप अजवाइन ले लें और सौंफ आप ले लें 1/2 खाने का चम्मच। और सूखा धनिया है मेरे पास, ये मैंने खाने का 1 चम्मच लिया है, पिसा हुआ है। 2 लीमू मैं इस्तेमाल करूँगी, इनका जूस निकालेंगे। और ये मैंने धनिया रखा हुआ है, कड़ी पत्ता है, ये अपने घर का है, फ्रेश, बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है। किसी दिन मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगी कि मैंने ये घर में कैसे लगाया हुआ है। 2 हरी मिर्च मैंने रखी हुई हैं। तो चलें देखें हम कैसे बना रहे हैं अपनी आज की ये भुजिया। ये जो हमारे पास नमक मिर्च और हल्दी जिस प्याली में रखी हुई है, इसी में मैं थोड़ा सा पानी शामिल करती हूँ, 2 से 3 खाने के चम्मच। इसी के अंदर मैं अपने ये जो मसाले हैं अचारी वाले, ये डाल रही हूँ। इसी के अंदर मैं ये अपना सूखा धनिया डाल रही हूँ और इसी के अंदर ये कसूरी मेथी। इन चीज़ों को हम कर लेते हैं मिक्स। ज़ीरा हम शामिल नहीं करेंगे, गरम मसाले को हम बचा के रखेंगे, ये आखिर में इस्तेमाल होगा। थोड़ा सा और पानी इस्तेमाल करते हैं। चले जी, ये सारे मसाले थोड़ा सा पानी डाल के हमने मिक्स कर लिए हैं। तो अब हम करते हैं अपना चूल्हा ऑन। चले जी, सबसे पहले हम डालते हैं अपना ऑयल, अपनी प्याज करते हैं फ्राई। साथ ही अपना ज़ीरा भी डाल दिया। थोड़ा सा इसको गोल्डन करेंगे। साथ में ये अपना कड़ी पत्ता जो है, इसको मैंने काट लिया है, ये डाल दी हूँ। फ्रेश कड़ी पत्ते का बहुत अच्छा टेस्ट आता है, ड्राई भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन फ्रेश की तो बात ही और है। थोड़ा सा ये गोल्डन हो जाए तो इसके बाद हम अपने करेंगे शामिल इसमें मसाले। आज बहुत मज़ेदार सी भुजिया बनने वाली है। ये जो भुजिया आज तैयार होगी, ये आप पराठे में भी भर के पराठा बना सकते हैं, बहुत मज़े का पराठा बनता है। इसको मैश करके पराठे के अंदर इसकी फिलिंग की जा सकती है। वैसे आप ये पराठे के साथ खा सकते हैं, बहुत मज़े की लगती है। पूरी के साथ आप खा सकते हैं, भटूरे के साथ खा सकते हैं, जैसे आपका दिल करे वैसे खा लें। बस ये हमारा गोल्डन होने पे आ गया प्याज। अब हम इसमें शामिल करते हैं अपनी अदरक। अब जो मसाले हमने पानी डाल के रखे हुए थे, इसे पानी इसलिए शामिल करते हैं कि ये अगर हम ऐसे ही डालेंगे तो हमारे मसाले जल भी सकते हैं। तो हमें अपने मसालों को जलाना नहीं है। बहुत अच्छी सारी अच्छी सी भुजिया बनानी है हमें, जिसका बहुत अच्छा सा कलर हो। बस ये झटपट बन जाने वाली भुजिया है।
बस 15 मिनट लगेंगे इसको आलू को गलाने में। थोड़ा सा मसालों के साथ फ्राई करते हैं। देखें कितना अच्छा सा मसाले का कलर है। अब हम अपने ये आलू इसमें शामिल करते हैं। ये एक कप पानी में शामिल कर रही हूँ। बस इससे ज़्यादा पानी मैं नहीं डालूँगी इनमें। बस एक बॉयल आए तो मैं अपने ये जो आलू हैं इनको ढक के रख दूँगी। धीमी आंच पे दम में इनको रखेंगे तो ये आलू हमारे इंशाल्लाह 15 मिनट के अंदर अंदर गल जाएंगे। ये नए आलू हैं, अगर पुराने हो तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा भी ले सकते हैं। बहरहाल 15 मिनट के अंदर अंदर इंशाल्लाह ये आलू गल जाएंगे। चूल्हा हम अपना करते हैं आहिस्ता और आलू को देते हैं गल। चलें जी 15 मिनट हो चुके हैं, चूल्हा हम करते हैं अपना ऑफ। पहले देती हूँ, आलू हमारे बहुत अच्छे से गल चुके हैं। देखें कितना अच्छा सा हर पीस के साथ मसाला लगा हुआ है। तो अब इस स्टेज पे ये लेमन जूस, लीमू अच्छा था, 2 खाने के चम्मच निकल आया जूस इसमें से। अगर आप ज़्यादा खट्टा अच्छान करते हैं तो ज़्यादा जूस डाल सकते हैं। ये साथ हरी मिर्च कटी हुई और ये गर्म मसाला और साथ में ये कटा हुआ हरा धनिया। अब इसको हम करते हैं मिक्स। तो आप अपने हिसाब से इसके अंदर नमक या मिर्च कम ज़्यादा कर सकते हैं। बहुत अच्छी सी हमारी भुजिया तैयार है, बड़ी प्यारी सी खुशबू फैल चुकी है किचन में। तो अभी मैं इसको डिश आउट करती हूँ, फिर दिखाते हैं आपको। ये हमारी अच्छी सी आलू की भुजिया तैयार है। ये जितनी देखने में अच्छी लग रही है उतनी खाने में भी मज़ेदार है। तो मुझे उम्मीद है कि आज आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी। तो इसके साथ ही इंशाल्लाह जल्दी मैं हाज़िर होंगी एक नई रेसिपी लेकर आपके लिए। तो दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।